नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता राजा कुमार की खबर दरभंगा से। सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से ही वायरल हो रहा है। वीडियो DMCH कोरोना वार्ड का है, जिसमें वार्ड में इलाज करवा रहे अजीत शर्मा, जो सुपौल जिला के निर्मली का रहने वाला है, जो खुद को मधुबनी जिला के फूलपरास थाना के स्टाफ बता रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में DMCH के आइसोलेशन वार्ड का व्यवस्था का पूर्व खोलते हुए ये युवक बता रहा है कि कोरोना में DMCH क्या है, आइसोलेशन वार्ड क्या है। पहली बार कोई वीडियो वायरल हो रही है। जब पड़ताल की गई तो फूलपरास थाना के थाना अध्यक्ष ने अजीत शर्मा होने की पुष्टि देते हुए कहा कि 15 दिन पहले ट्रांसफर होकर हमारे थाना में आए हैं। बताया जाता है कि अजीत शर्मा सुपौल जिला के निर्मली गांव का रहने वाला है, जो कि दरभंगा में COVID-19 वार्ड में भर्ती है। मैं अजीत शर्मा बिहार निर्मली का रहने वाला हूं, और मैं पिछले 10 दिनों से दरभंगा के DMCH में एडमिट कोविड वार्ड में हूं, जहां पे कोविडों के नाम पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है 15 दिन। लेकिन इस 15 दिन में ना तो कोई डॉक्टर का कोई रुतबा बढ़िया, ना तो कोई कंपाउंडर का बात करने का तरीका, ठीक है। पूरे दिन में यहाँ पे आदमी मरता है, देखिए आप लोग, ठीक है। ये सभी मरे पड़े, ये भी देखिए, ठीक है, ठीक है, सभी यहाँ पे, ये स्थिति है यहाँ का। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पे जो लोग कोविड से नहीं मरेंगे, इन लोगों की गलत रुतबा, गलत ट्रीटमेंट, गलत सुई और ना केयर करने की वजह से लोग यहाँ पे मरेंगे और मर रहे हैं। कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई प्रशासन नहीं बताएगा। पूरे दिन में DMCH पे कितने आदमी मरते हैं, एक दिन में कम से कम मेरे वार्ड से नहीं भी तो 7 से 8 आदमी मरा है पर डे, ठीक है। मैं फूलपरास थाना का स्टाफ हूँ, मैं भी कोविड से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पिछले आज 9 दिनों से हूँ एडमिट यहाँ पे। मैं सारा चीज़ देख रहा हूँ, किसी भी डॉक्टर से आप बात करो, वो आपसे बात तभी से नहीं करेगा, ठीक है। ये हाल स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, 3 घंटे जो पेशेंट 2:30 बजे मरा है, उसको देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। 3 बजे मरा है, उसको देखने के लिए कोई नहीं आया, बताइए। तो इससे क्या आपका कोरोना संक्रमित फैलेगा या नहीं फैलेगा और वार्ड में, हाँ ना। तो यहाँ का खाना 3 बजे यहाँ पे आपको नाश्ता देता है, 2 ब्रेड, हाँ, और 1 आलू और 1 पत्ता गोभी की सब्ज़ी। यार, 1 कुत्ते को भी रोज़ दिया जाए ना तो वो भी नहीं खाएगा आलू और पत्ता की सब्ज़ी। 5 बजे भी खाना मिलता है, उसके बाद यदि आपकी टाइमिंग 8 बजे से रात में है ना, आप यदि खुदा ना खास्ता 8 बजे पहुंच गए, तो सोच लीजिए कि भगवान से थोड़ा सा मुलाकात हो जाएगा, जो भी कंपाउंडर हो। यदि दिन में आप 10 बजे आ गए ना, 12 बजे आ गए ना, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, रात में 9 बजे के बाद ही, तब तक आप मर जाओ, पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी आप खुद सोचो, 3 बजे तक का टाइम हो गया, ये भरुआ चोर, ये लोग एक बार भी पेशेंट को देखने के लिए नहीं आता है। बस हम सरकार से यही कहेंगे, जनता तो ऐसे ही परेशान है, सर कुछ कीजिए, वरना आदमी जाता रहा चला जाएगा। यदि आप खुद देखोगे ना अपने अपने आंखों से, खुद पता चलेगा कि आज क्या स्थिति है कोविड का। मैं बता रहा हूँ दोस्त, जिन्होंने कोविड को नहीं देखा है ना, मुझ जैसे शख्स से पूछो कोविड क्या होता है, मैं बताऊँगा कोविड क्या है। दुनिया में सबसे लड़ाई जीत पाओगे, इससे अपने बस में ताकत नहीं है जीतने का, इसलिए इनके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अपनी सेफ्टी, मास्क, दूरी हमेशा बना के रखिए, और किसी की बातों पे मत आइए। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है,
यहाँ तक अपना जो होता है ना वो भी आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। बस यही कहेंगे, दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और ना ही अभी किसी से हाथ मिलाना है, ना ही किसी से गले मिलना है, और अपने काम को सही ढंग से करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, निर्मली का वासी हूँ, फुलपड़ास थाना का स्टाफ हूँ, नाम मेरा अजीत शर्मा है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, हाँ अभी दरभंगा DMCH का स्थिति बहुत ख़राब है, ये लोग केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते। आपके अंदर जितनी तक ताकत है लड़ने की, बस इतना तक आओ, बैठो, जाओ, और कुछ नहीं है यहाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस जिधर से आएगा एक पेंटो फ्लो देगा, बस हो गया। धन्यवाद दोस्त, आगे से आगे वीडियो को से शेयर करिए, फैलाइए, मैं तो यही कहूँगा, ताकि इन लोग जैसे आदमी के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। क्या भाई सहमत है आप, वो किसी के साथ ऐसा, हाँ क्या बोले आप लोग, सहमत है, हाँ गलत कर रहा है यहाँ का स्टाफ, नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितने घंटे से वो पड़े हैं, 3 बजे आप कब आए थे, 2:30 बजे आए थे, अभी आप आए, आपके सामने वो एक्सपायरी किए ना, अभी तक आया कोई देखने के लिए उसको, वो भी एक्सपायरी किए ना, कोई नहीं आया ना, ये रवैया है यहाँ पे, ये रवैया है, देखिए ये स्थिति है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्त, धन्यवाद।